शरण बीजू धरे सिद्धनु, जे करे कर्म चकचूर रे, भोगवे राज सीवन गरनु, ज्ञान आनंद भरपूर रे। जैन शासन में नव पद की आराधना बड़ी ही अद्भुत एवं अनुपम है। जिनेश्वर परमात्मा ने आत्म कल्याण हेतु असंख्य योग बतलाए हैं, किंतु उनमें भी नव पद को मुख्य बताया गया है। यह नौ पदों में दूसरे नंबर पर है जिन्होंने अष्ट कर्मों का क्षय किया है। जन्म जरा मृत्यु के बंधन से जो मुक्त हो चुके हैं, जो अजरामर पद के ऊपर विराजमान होकर निरंजन निराकार हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवंत द्वितीय पद के ऊपर विराजमान है। भगवती सूत्र की टीका में टीकाकार अभयदेव सूरी जी महाराजा सिद्ध का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सी यानी कि सिद्ध बंधे हुए गण घाती कर्मों को, ध यानी कि ध्यात जलाकर जिन्होंने राख कर दिए हैं, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। स्वयं अरिहंत परमात्मा भी दीक्षा लेते समय नमो सिद्धानम यह पद बोलकर सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करते हैं। ऐसे देखा जाए तो हम सभी के ऊपर सिद्ध परमात्मा का ही प्रथम उपकार है। ये हमारे अनंत उपकारी है। यदि सिद्ध नहीं हुए होते तो हम भी अपनी विकास यात्रा शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि नियम ही ऐसा है कि एक आत्मा सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष में जाती है, सिद्ध बनती है, तब एक आत्मा अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आती है, और जब तक जीव व्यवहार राशि में नहीं आता तब तक उसकी विकास यात्रा संभव ही नहीं है। अतः इसी कारण से सिद्ध परमात्मा हमारे अनंत उपकारी है। ऐसे अनंत उपकारी सिद्ध पद की आराधना की विधि इस प्रकार है। सिद्ध भगवंत का वर्ण लाल है। लाल वर्ण आत्मा की लालिमा का सूचक है। यह लालिमा अरुणोदय पूर्वकी है, जो सूर्य के आगमन की सूचना करती है। ठीक वैसे ही लाल वर्ण द्वारा किया गया सिद्ध पद का ध्यान भी आत्म सूर्य के उदय होने का सूचन करता है। सिद्ध भगवंत का वर्ण लाल होने से अयम्बिल की आराधना भी गेहूं के धान्य से करनी चाहिए। तत्पश्चात आठ प्रदक्षिणा और आठ खमास्वन देने हैं, जिसकी विधि इस प्रकार है। एक दुहा बोलकर प्रदक्षिणा देनी है और आठ गुणों में से एक एक गुण का नाम बोलते बोलते खमास्वन देना है, जो इस प्रकार है। रूपातीत स्वभाव जे केवल दंशन नानी रे, ते ध्याता निज आत्मा हो ये सिद्ध गुण खानी रे। वीरजिने सर उपदिसे सांभड़ जो चित्त लाई रे, आत्म ध्याने आत्मा रुद्धि मड़े सवि आई रे। अनंत ज्ञान गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। इच्छामि खमास्मणो वंदी जावणि जाए निशि आए मत्थ एण वंदामि। इसी प्रकार यह दुहा बोलकर प्रदक्षिणा देनी है और एक एक गुण का नाम बोलकर खमास्मण देना है। अनंत दर्शन गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। अव्याबाध गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः।
अनंत चारित्र गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। अक्षय स्थिति गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। अरूपी निरंजन गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। अगुरु लघु गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। अनंत वीर्य गुण संयुताय श्री सिद्धाय नमः। तत्पश्चात सिद्ध भगवंत के 8 गुण होने से 8 स्वस्तिक बनाने हैं और ओम रिम नमो सिद्धानम यह मंत्र की 20 माला गिननी है और सिद्ध परमात्मा के 8 गुण होने से 8 लोगस्य का उत्सर्ग करना चाहिए, जिसकी विधि इस प्रकार है। इच्छामि क्षमा समणो वंदी उम जावणि जाए निसिहि आए मत्थ एण वंदामि। इच्छा कारेण संदिशः भगवन् सिद्ध पद आराधनार्थम काउसग्ग करु इच्छम। सिद्ध पद आराधनार्थम करेमि काउसग्गम। वंदनवत्ति आए पुअणवत्ति आए सक्कारवत्ति आए सम्मानवत्ति आए बोहिलाभवत्ति आए निरुवसग्गवत्ति आए सद्धाए मेहाए धीये धारणाए अनुपेहाए वड्ढमाणिए ठामी का उत्सगम। अन्नत्थ उससीएणम निससीएणम खासीएणम छीएणम जम्भाईएणम उड्डुएणम वायणीसगेणम भमलिये पित्तमुच्छाए सुहुमेहिम अंगसंचालेहिम सुहुमेहिम खेलसंचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठिसंचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो हुज्जमे का उत्सग्गो। जाव अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि तावकायम ठाणेणम मौणेणम झाणेणम अप्पाणम वो सिरामि। काउसग्ग मुद्रा के अंदर 8 लोगस्य का चंदेशु निम्न लयरातक का काउसग्ग करे। काउसग्ग पारने के पश्चात प्रगट लोगस्य बोले। लोगस्य उज्जो गरे धम्म तिथ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौवी संपी केवली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयीं च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे सुविहिम च पुप्फदंतम सियल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुप्वयम नमि जिणम च वंदामि रिठणेमिम पासम तह वद्धमानम च एवं मये अभिथुआ विहुय रयमलापहि नजर मरणा च उवि संपी जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तिय वंदीय महिया जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्ग बोहिलाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेशु निम्मलयरा आइच्येषु अहियं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। इसी प्रकार भावोल्लास के साथ सिद्ध पद की आराधना कर आत्मा का कल्याण करे तो आप अवश्य देखें और सब्सक्राइब करें और अलग अलग जैन संघों में शेयर करके पुण्य का उपार्जन करें। जिनाग्ना विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छा मी दुक्कड़म।